नमस्कार, आप देख रहे हैं द सोशल राइज। मैं हूं आशुतोष। हमारी खास पेशकश राजनीतिक गलियारे में आपका स्वागत है। मोदी सरनेम में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी कल लोकसभा पहुंचे। कल लोकसभा में राहुल गांधी काफी आक्रामक दिखे। उन्होंने मणिपुर घटना पर चर्चा किया और उसके साथ ही प्रधानमंत्री की तुलना किससे कर दी। आइए सुनते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा। रावण दो लोगों की सुनता था, रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य, आप संयमित बोले। आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय सदस्य, राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या। जी हाँ, राहुल गांधी का तो आपने सुन लिया। इसी लोकसभा में स्मृति ईरानी भी मौजूद थी। स्मृति ईरानी ने भी राहुल गांधी का जवाब दिया। अपने पुराने अंदाज में स्मृति ईरानी लोकसभा में नजर आई। आइए सुनते हैं स्मृति ईरानी ने क्या कहा। वे तब से अडानी अडानी कर रहे हैं, तो अब थोड़ा मैं भी बोल दूं। फोटो मेरे पास भी है, इतना ही खराब है तो जीजा जी उसके साथ क्या कर रहे। तो निशिकांत जी सही कहा, किसी को सेट करो, किसी को भेंट करो। पूछना चाहती हूं, 1993 में मुंद्रा पोर्ट में कांग्रेस की सरकार ने अडानी को जगा दी, तब प्रधानमंत्री कौन थे? कांग्रेस के थे। वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। अडानी बोल रही हूँ, यूपीए के कार्यकाल में अडानी को इन्होंने 72,000 करोड़ का लोन दे दिया। क्यों दिया? राजस्थान में 60,000 करोड़ से ज्यादा का समझौता कर लिया गहलोत जी के साथ, 20,000 एकड़ जमीन ले ली। क्यों किया? केरल में कांग्रेस की यूडीएफ सरकार के साथ पोर्ट का काम क्यों दिया? महाराष्ट्र में जब कांग्रेस के पास सत्ता थी, तो फिर कांग्रेस ने अडानी को पोर्ट का काम क्यों दिया? बंगाल में हल्दिया पोर्ट का काम अडानी को क्यों दिया? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने अडानी को काम आदिवासियों ने मना किया, फिर भी क्यों दिया? अब इसमें बेटा कितना सेट होगा, दामाद को कितना भेंट होगा, हम क्या जाने। एक बात पर मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूं अध्यक्ष जी, कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन हु कैन गिव अ फ्लाइंग किस टू अ पार्लियामेंट विद सीट्स फीमेल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण है, याद सदन में देश को पता चले। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द सोशल राइज़।